कत्ल। अलाउद्दीन खिलजी के जन्म के बारे में पुख्ता इतिहास उपलब्ध नहीं है, फिर भी 1250 ईस्वी में इसके जन्म की बात इतिहास में बताई जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के पिता जुन्ना मोहम्मद खिलजी, खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई थे। इस तरह खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे और उससे बहुत प्यार करते थे। इसी कारण सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के शासन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को कारा का शासन सौंप दिया था। यही नहीं, उसे मालवा के खिलाफ जंग के लिए आगे रखा गया था। अलाउद्दीन ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए दक्कन तक अपना कब्जा जमा लिया था। इसके साथ ही उसने खानदेश को लूटकर एलिचिपुर पर भी कब्जा कर लिया था। उसने सारा लूट का माल इकट्ठा किया और वापस कारा लौटाया था। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता के लोभ में अपने ही चाचा का कत्ल कर दिया। इसके बाद उसने घूस देकर सारे मंत्रियों को अपने साथ मिलाकर खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। मोहम्मद शाह ने रची अलाउद्दीन खिलजी की हत्या की साजिश। तख्ता पलट के इस काम में मोहम्मद शाह ने उसकी काफी साथ दी थी और इसके लिए उसे इनाम भी मिला था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपने हरम में आने की इजाज़त दे दी थी। मोहम्मद शाह ने इस मौके का फायदा उठाकर उसने अलाउद्दीन की बेवफा बेगम छिमना से अपने रिश्ते को बढ़ा लिया। इस जोड़ी ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या की साजिश रची ताकि वो दोनों खुद सुल्तान और बेगम बन सके। अलाउद्दीन को उनकी इस साजिश का पता चल गया और मोहम्मद शाह अपने भाई के साथ दिल्ली भाग गया। मोहम्मद शाह ने उसके बाद रणथंभौर के राजपूत राजा हमीर देव के यहाँ शरण ले ली, जिसके कारण अलाउद्दीन की नज़र हमीर देव पर पड़ गई। रणथंभौर के किले पर धावा बोल दिया गया और बनास नदी के किनारे अलाउद्दीन और हमीर देव की सेना के बीच संग्राम हुआ, जिसमें राजपूत सेना विजयी हुई। लेकिन अचानक किसी तरह से हमीर देव की सेना बिखर गई थी। इसका कारण था सेनापति गुरधन सैनी की प्रधान के साथ आपसी कलह के कारण सेनापति ने प्रधान की जानबूझकर हत्या कर दी। अलाउद्दीन को वापस संभालने का मौका मिल गया और वापस पूरे जोर के साथ उसने किले पर हमला बोल दिया। उसने किले तक पहुंचने वाले रसद के मार्ग पर अपना डेरा जमा लिया था। अब किले का निर्माण इस तरीके से हुआ था कि उसको पार करना मुश्किल था, इसीलिए उसने हमीर देव से एक शर्त पर वापस लौटने को कहा कि अगर वो मोहम्मद शाह को उसे सौंप दे। हमीर देव ने मोहम्मद शाह को सुरक्षित रखने का वादा किया था, इसीलिए उसने संघर्ष जारी रखा। आखिरकार अलाउद्दीन को हार कर वापस लौटना ही पड़ा। गुजरात और मालवा पर कब्जा कर सोमनाथ मंदिर को लूटा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति भाइयों उलुग खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उन दोनों के मिलकर गुजरात पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया और साथ ही सोमनाथ मंदिर और रुद्र महालय के मंदिरों के खजाने को लूटा। उस समय गुजरात के शासक करण देव द्वितीय की पत्नी कमला देवी को अगुआ कर लिया और बाद में सुल्तान ने उससे शादी कर ली। 1299 ईस्वी में नुसरत खान ने गुजरात और उलुग खान ने सिंध से अपने युद्ध अभियानों की शुरुआत की थी। दोनों चित्तौड़गढ़ के निकट एक दूसरे से मिले। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक गुलाम मालिक काफूर से हुई, जिसे 1000 दिनार में खरीद कर उसे सेना का सेनापति बना दिया गया। 1303 में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहाँ के राणा रावल रतन सिंह को मार दिया, लेकिन रानी पद्मिनी को हत्याने का उसका सपना अधूरा रह गया क्योंकि रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़, रणथंभौर और गुजरात के युद्ध अभियानों के चलते उत्तरी भारत के दूसरे राजाओं में एक डर सा छा गया था, लेकिन मालवा के महलक देव ने अलाउद्दीन को इतनी आसानी से अपना साम्राज्य देने से मना कर दिया। उसने 20,000 घुड़सवारों और 90,000 पैदल सैनिकों की फौज को अलाउद्दीन की फौज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसकी सेना का सेनापति हरनाथ कोका था और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आइन मुल्क मुल्तानी था, जो 1,60,000 मुस्लिम सैनिकों के साथ युद्ध के लिए तैयार था। इस खूनी संग्राम में हरनम कोका की हत्या कर दी गई और उसकी सेना पीछे हट गई। आइन मुल्क मुल्तानी को अपनी इस शानदार विजय के लिए मालवा का शासक नियुक्त कर दिया गया। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ पर आक्रमण बोल दिया। उस समय मारवाड़ का राजा साकल देव था, जो वहाँ के प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग का शासक भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बार मलिक कमलुद्दीन को अपना सेनापति बनाकर मारवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। एक भयंकर संग्राम के बाद मारवाड़ी सेना की हार हुई और साकल देव को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का अगला निशाना जालौर था, जिसमें पहले युद्ध अभियान में
दो कान्हट देव सोंगरा की सेना ने खिलजी की सेना को हरा दिया था। इसीलिए इस बार उसने अपने विश्वसनीय मालिक कमलुद्दीन को हिंदू सेनाओं से लड़ने के लिए भेजा और इस बार सफलतापूर्वक जालौर पर उसने कब्जा कर लिया। दक्षिण की तरफ किया रुख। 1306 और 7 में खिलजी ने दो अभियान पूरे किए। पहला राय करने के खिलाफ, जो गुजरात हारने के बाद बंगलाना पर कब्जा जमाए बैठा था। हालांकि उसकी पत्नी कमला देवी अब खिलजी की मुख्य बेगम बन चुकी थी। बंगलाना में राजा करण की बेटी देवला देवी उसके साथ ही थी। अब खिलजी ने राय करण को गद्दी से हटने और देवला देवी को दिल्ली लाने का अभियान शुरू कर दिया, जिसमें वो सफल रहा और देवला देवी को दिल्ली में अपनी माँ कमला देवी के पास भेज दिया गया। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे खिज्जर खान के साथ उसका विवाह कर दिया गया। दूसरा युद्ध अभियान देवगढ़ के राजा रामचंद के खिलाफ था। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुलाम सेनापति मालिक काफूर को भेजा। राजा रामचंद्र की हार हुई और राय रामचंद्र ने अपनी सत्ता सहित अपना पद दिल्ली को सौंप दिया। इसके बदले में राय रामचंद्र को गुजरात का शासक नियुक्त कर दिया गया और उसकी एक बेटी जत्यापाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया गया। इस संधि की वजह से अलाउद्दीन को अपने दक्कन विजय अभियान में काफी मदद मिली थी, लेकिन 1315 में राय रामचंद्र की मौत के बाद उसके बेटे ने दिल्ली की चाकरी करना बंद कर दिया और विद्रोह किया। मालिक काफूर तुरंत वहां पहुंचा और विद्रोहियों को कुचलकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। 1303 में वारंगल के लिए चलाए प्रथम युद्ध अभियान में ही खिलजी की सेना को काकतीय वंश के हाथों मात खानी पड़ी। इसके 6 साल बाल मालिक काफूर की अगुवाई में दूसरी बार वारंगल पर धावा बोल गया। काफूर अपनी 10,000 सैनिकों के साथ वारंगल पर कब्जा करने में सफल रहा और प्रताप रुद्र को हर्जाना भरने के लिए बाध्य किया। प्रताप रुद्र ने अपने खजाने से उस समय विश्व का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर खिलजी को सौंप दिया। देवगिरी और वारंगल पर कब्जा करने के बाद खिलजी ने मालिक काफूर को हेलबेडू होयसल साम्राज्य के राजा वीर बल्लाल द्वितीय खिलाफ युद्ध के लिए भेजा। वीर बल्लाल की हार हुई और उसे हर्जाना भुगतना पड़ा और उसे जागीरदार बना दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के एक दशक बाद दक्षिण के सभी शासकों ने संगठन बनाकर दिल्ली सल्तनत से खुद को मुक्त कर लिया। खिलजी की दर्दनाक मौत। अलाउद्दीन खिलजी को अपने अंतिम दिनों में काफी दर्द से गुजरना पड़ा था, जो उसको मिली लाखों लोगों की बद्दुआ का असर था। उसको एक बीमारी हो गई थी जिससे उसका पूरा शरीर सूज गया था और जनवरी 1316 को उसके इस दर्द का अंत हुआ और उसकी मौत हो गई। दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में आज भी उसका मकबरा सुरक्षित है और उसको समर्पित एक मदरसा भी यहाँ मौजूद है। कई इतिहासकार उसे एक पराक्रमी और महान शासक बताते हैं, जो अपने बुरे कर्मों की वजह से इतिहास में धुंधला गया। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के महज 4 साल बाद खिलजी वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।